अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद साजिद, आप देख रहे हैं एमएम टाइम न्यूज़। आज हमारे स्टूडियो में एक माँ बाप मौजूद है जिनका बेटा हसन अब्बास जो रात 11 या तकरीबन 11-12 बजे से घर से निकला है, जो कुछ घर में कुछ कई सुनी बातें हुई थी कुछ क्लास को लेकर, वो बच्चा नाराज होकर अपने घर से चला गया। आज हम उसी के माँ बाप के पास मौजूद है, उनसे बात करेंगे ये पूरा मामला क्या हुआ। और हम बच्चे से भी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर हमारी वीडियो कहीं पर भी देखता होगा तो बच्चा जहीं कहीं पर भी हो अपने माँ बाप के पास वापस आए। अगर कुछ कहाँ सुनी अपने माँ बाप से हो गई है तो अपने घर आ जाइए। आप अपनी माँ से देख सकते हैं आपकी माँ का क्या हाल हुआ है। अभी हम उनके अब्बा से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम बोलिए। मासूम हैदर। ये क्या हुआ पूरा मामला, आपका लड़का सर, कल रात से 12 बजे से गया है बता रहा है। सर वो क्लास नहीं गया था तो टीचर का फोन आया था, तो मैंने बात किया, फिर वो बोला पापा कल से ऐसा नहीं होएगा। तो मतलब चलो ठीक है भाई, मैंने ना मारा ना कुछ। फिर रात में वो लोग गेम खेल रहे थे, मोबाइल छीन के मैंने उसके अम्मी को बोला कि मोबाइल रख दे, आज के बाद ये लोग को मोबाइल देना मत, चाहे लोग पढ़ें या मत पढ़ें। ये बोल के मैं जाके बेडरूम में बैठ गया और वो 12 या 12:15 बज रहा था जब वो बाहर निकल गया। जब से हम लोग ढूंढ रहे हैं मिल ही नहीं रहा। तो कंप्लेन भी की जाके इसकी शिकायत मुमरा पुलिस स्टेशन में जी, की है। जी सर। हाँ। तो कितना टाइम हो गया है शिकायत करके आपको? 11 बजे दिन में की है। सुबह 11 बजे आपने की है मिसिंग कंप्लेंट। जी। तो अब तक कुछ मुमरा पुलिस स्टेशन कुछ मिला है? हाँ जी, वो FIR कर दिए हैं, बोले 9 बजे आना, मैडम मिलेंगी। अच्छा, फिर उनसे और बात कर लेना आप। अच्छा, अब तक कुछ जानकारी नहीं मिली आपके बच्चे? अभी तक कहीं भी जानकारी नहीं मिली। जैसा कि आप सुन सकते हैं एक बाप की जुबानी कि एक छोटी सी कहा सुनी घर में होने से बच्चे ऐसे हो गए कि छोटी छोटी बातों पर रूठ कर अपने घर छोड़ के चले जाते हैं। आप देख सकते हैं उनकी माँ का हाल है। हम उनकी माँ से भी कुछ बात करना चाहेंगे पर ऐसी स्थिति नहीं है उनकी कि बात कर सके, फिर भी हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। आपा, आपका लड़के का नाम और क्या हुआ था, आप वहाँ पे मौजूद थे घर पे, क्या वाक्य हुआ था ये बच्चे को लेकर? लड़के का नाम है हसन अब्बास। हाँ, कुछ हुआ नहीं था, बस वही क्लास के वजह से मोबाइल ले लिए थे, बस उसी में नाराज होके चला गया। तो आप अपने बच्चे से क्या बोलना चाहेंगे, अगर ये वीडियो देखता होगा तो आप क्या बोलना? हसन, अगर वीडियो देखा तो बाबू आए जाओ, बच्चा जो आए जाओ। हम सभी प्रशासन और पुलिस और ये आवाम से भी दरख्वास्त करते हैं, हम ये हम जो फ़ोटो दिखा रहे हैं, आप ये फ़ोटो को ज़रूर देखिए, आप ये फ़ोटो को ज़रूर देखिए। और जिसको भी ये नज़र आता है हमारे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमने जो नंबर नीचे दे रहे हैं अब उस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कीजिए। और हम पता बता रहे हैं आपको, इस पते पर अगर आपको कहीं पर भी ये लड़का दिखता है तो उस पर इन्फॉर्म किए। आपका पता बोलिए। नेता पैलेस बोलिए, 203 फ्लॉट नंबर जी, अचानक नगर शंकर मंदिर। जैसा कि आपने, हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी देंगे कि आप ये इस एड्रेस या नंबर पे कांटेक्ट कीजिए जिसको भी कहीं पे। और एक बार हम फिर से एक बार बच्चे को अपील करते हैं, बेटा अगर ये वीडियो देखता होगा तो बेटा जल्द से जल्द अपने घर पे आके अपने माँ बाप को जो सहारा बने। अरे बेटा डटवर्ड पे नहीं, नंबर पर बाबू हसन, मम्मी कुछ ना बोलिए, आ जाओ घर।